नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। आरटीडीसी ही कर रही है पर्यटकों की जान के साथ खिलवाड़। मासूम चहक की मौत के बाद भी नहीं सुधरा प्रशासन। डबल डेकर में बिना लाइफ जैकेट के घूमे कई पर्यटक, मासूम बच्चे भी शामिल। राज्य की भाजपा सरकार ने फिर की इतिहास के साथ छेड़छाड़। विश्व प्रसिद्ध हल्दीघाटी युद्ध की तारीख में हुआ फेरबदल। कुराबड़ में महिला के आत्महत्या के बाद ससुराल और पीहर पक्ष में हुआ बवाल। घंटों समझाइश के बाद माने परिजन। बिना चिकित्सक के पोस्टमार्टम के इंतजार में काफी देर होती रही शव की बेकदरी। और लकवे से लड़ाई के लिए फतेहसागर पर दौड़ा शहर। पैसिफिक हॉस्पिटल के आयोजन में शामिल हुए कई नामचे। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं पर्यटकों की जान के साथ होते खिलवाड़ की। झीलों का शहर उदयपुर फतेहसागर झील में डूबी। मासूम चहक की चीखों की गूंज अभी तक नहीं भूला है। जयपुर की चहक को श्रद्धांजलि देने के लिए सैकड़ों लोगों ने फतेहसागर की बाल पर पहुंचकर अपना मौन विरोध दर्ज करवाया था। और उसके बाद कई संगठनों ने आंदोलन करके झील के आसपास हर समय गोताखोर रखने और नौका विहार करने वाले हर यात्री को लाइफ जैकेट पहनकर ही नाव में जाने देने की अपील की थी। प्रशासन की ओर से भी कुछ दिनों तक सख्ती अपनाई गई, लेकिन बाद में फिर कुंभकर्णीय नींद में यहाँ के निजाम और जनसेवक चले गए। दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर में शुमार उदयपुर इन दिनों पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है। विभाग के अनुमान की माने तो देश विदेश के 10,000 से ज्यादा पर्यटक रोजाना उदयपुर आ रहे हैं। ऐसे में फतेहसागर झील में भी नौका विहार करने की होड़ मची हुई है, लेकिन यहाँ पर की जा रही लापरवाही ने एक बार फिर मासूम चहक की मौत का रोंगटे खड़े कर देने वाला वह पल आंखों के सामने ला दिया। दरअसल आरटीडीसी की ओर से संचालित डबल डेकर में शनिवार को बिना लाइफ जैकेट के ही नौका विहार करवाया जा रहा था। इस डेकर में ऊपर तो कोई नहीं बैठा था, लेकिन नीचे बैठे सभी पर्यटकों में से एक ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहना था। आरटीडीसी की ओर से बिना लाइफ जैकेट के नौका विहार करवाकर इतने लोगों की जान को खतरे में डालने के आपराधिक कृत्य के बाद भी विभाग की ओर से संबंधित जिम्मेदार पर कोई कार्रवाई नहीं किया जाना विभाग की अनदेखी ही कहा जा सकता है। फतेहसागर झील पूरी तरह से लबालब है, और ऐसे में इस डबल डेकर में कोई हादसा हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होता है। इस नाव में तो 2 दर्जन से ज्यादा पर्यटक बैठे थे, जिनमें 1 दर्जन तो मासूम बच्चे ही थे, वह भी बिना लाइफ जैकेट के। करीब आधे घंटे तक यह डबल डेकर झील में चक्कर लगाता रहा, और बिना लाइफ जैकेट के बच्चे और बड़े इसमें इधर उधर चलते रहे। आइए आपको भी दिखाते हैं आरटीडीसी की गलती या पर्यटकों की लापरवाही के इस नजारे को। शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की गलती की वजह से एक बार फिर इतिहास के साथ खिलवाड़ हुआ है। प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हुए हल्दीघाटी के युद्ध को 4 माह पहले ही करवा दिया गया है। दरअसल एसआईआरटी ने बड़ी लापरवाही करते हुए 6ठी कक्षा की पुस्तक इंग्लिश रीडर के पाठ महाराणा प्रताप में इस युद्ध की तारीख 18 फरवरी 1576 दर्शाई है, जबकि हल्दीघाटी के युद्ध की तिथि 18 जून 1576 है, और यह निर्विवाद है। इतनी बड़ी चूक के बाद भी अभी तक भूल को नहीं सुधारा जा सका है। इस गड़बड़ी से इतिहासकारों की नहीं वरन आम जन में भी भारी आक्रोश है। ऐसे में अब इस घोर लापरवाही की वजह से 6ठी कक्षा की परीक्षा में हल्दीघाटी की युद्ध तिथि पूछने पर विद्यार्थियों को पुस्तक के अनुसार ही जवाब देना पड़ेगा। हाल ही एक शोध के बाद हल्दीघाटी युद्ध काफी चर्चा में रहा है, जिसने इस युद्ध में मुगल सेना नहीं वरन प्रताप की जीत का दावा किया है। इस दावे के आधार पर राजस्थान विश्वविद्यालय और राजस्थान बोर्ड ने अपने पाठ्यक्रम में हल्दीघाटी युद्ध में प्रताप की जीत संबंधी तथ्य को शामिल किया है। दूसरी ओर एसआईआरटी ने युद्ध की तिथि ही गलत प्रकाशित कर दी है, जिससे शैक्षिक अनुसंधान एवं अध्ययन से जुड़े इस संस्थान पर सवाल उठने लगे हैं। इतिहासकार चंद्रशेखर शर्मा ने साफ किया कि स्थानीय राजस्थानी और अबुल फजल के अकबरनामा की तिथियों के आधार पर 18 जून 1976 को ही हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था। इतिहास के सभी पुस्तकों में भी अब निर्विवाद रूप
रूप से यही तिथि प्रकाशित है। इस तिथि निर्धारण को सालों बीत गए हैं, ऐसे में विभाग द्वारा तिथि संबंधी की गई इस बड़ी गलती में शीघ्र सुधार किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि SIERT पुस्तकें छापने और प्रशिक्षण देने का काम करता है। जब सरकार का विभाग ही इतनी बड़ी गलती करेगा तो देश के भविष्य का क्या होगा? छठी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे तो गलत जानकारी ही लिखेंगे। प्रताप पर शोध को लेकर के मेरी विशेष रुचि रही है। जैसा कि अभी आपने पूछा कि SIERT की जो बुक है उसमें हल्दीघाटी की जो दिनांक दी गई है 18 फरवरी, उसको लेकर के मेरा ये मानना है कि जब शिक्षा और शोध के क्षेत्र में स्कूल की शिक्षा कैसी हो और किस तरह का उसका पाठ्यक्रम हो उसको सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक गरिमामय संस्था का गठन किया था SIERT का, और उनको अपने कार्य के प्रति कितनी उनकी गंभीरता होनी चाहिए, ये गंभीरता जो है, चूँकि ये बुक्स इस तरह की होती है कि बच्चे अपना कैरियर भी इन्हीं के द्वारा चुनते हैं और प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के द्वारा अपने कैरियर का निर्माण करते हैं। तो इसको लेकर के मेरा मानना है कि ये जो युद्ध है यह 18 जून को हुआ था और इसको 18 फरवरी की दिनांक इसमें किया गया है। यह एक ऐसी त्रुटि मैं मानता हूँ कि जिसको कि बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखा जाना चाहिए, क्योंकि प्रताप जो है वो सिर्फ भारतवर्ष के ही नहीं अभी तो मेरा मानना है कि पूरी विश्व मानवता के लिए एक आदर्श पुरुष के रूप में स्थापित हैं, और उनके जीवन के प्रत्येक घटनाक्रम जो है और विशेष रूप से जो हल्दीघाटी का जो युद्ध है, वो हल्दीघाटी का युद्ध जिसको कि विदेशों में भी थर्मोपल्ली के रूप में पहचान मिली हुई है, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से हम प्रताप से संबंधित जो भी विषय हैं उन विषयों को ठीक ढंग से लें और उनको एक बार नहीं दो बार देखने की कोशिश करें, क्योंकि ये प्रताप एक ऐसा विषय है जो कि हमारे राष्ट्र में चरित्र निर्माण भी करता है और व्यक्तित्व निर्माण भी करता है। तो मेरा SIERT जैसी संस्थाओं से आग्रह है कि इन गंभीरता से इन चीज़ों को देखा जाना चाहिए। उदयपुर जिले के कुराबड़ थाना क्षेत्र में एक विवाहिता के आत्महत्या करने से सनसनी फैल गई। बल्लभ गांव में रहने वाली 19 वर्षीय विवाहिता राजकुमार ने फांसी लगाकर अपनी इह लीला समाप्त कर दी थी। इसके बाद से ही पीहर और ससुराल पक्ष में विवाद हो गया। एक तरफ जहां ससुराल पक्ष के लोग महिला के झगड़ालू प्रवृत्ति के होने की बात कहते हुए पहले भी उसके इस तरह के प्रयास की बात कर रहे थे, वहीं पीहर पक्ष ने आरोप लगाया कि ससुराल वाले आए दिन विवाहिता के साथ मारपीट करते रहते हैं। मामला इतना बढ़ गया कि अतिरिक्त जाप्ता कुराबड़ के सरकारी अस्पताल में बुलवाना पड़ा। दूसरी तरफ पोस्टमार्टम के लिए मृतका का शव शुक्रवार रात से अस्पताल में पड़ा रहा, क्योंकि सरकारी अस्पताल में चिकित्सक की कमी है और पोस्टमार्टम के लिए उदयपुर से चिकित्सक को बुलवाना पड़ता है। हालांकि पुलिस ने घंटों समझाइश के बाद आखिरकार दोनों ही पक्षों का गुस्सा शांत किया और मृतका के शव को पोस्टमार्टम के बाद ससुराल पक्ष के सुपुर्द किया। इस पूरे मामले में थाने के मिठे सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा। रॉयल मोटर्स लगातार 32 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा एवं विस्तृत शोरूम व अत्याधुनिक वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटर्स के सभी टू व्हीलर्स वाहन विभिन्न रंगों एवं मॉडल्स में उपलब्ध। त्योहारों पर बुकिंग कर विभिन्न उपहार पाए। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। संपर्क करें 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 9 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल सभी कलर्स में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं और आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। त्योहारों पर एक्सचेंज एवं फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर गोवर्धन बिलास बाईपास के नजदीक उदयपुर। संपर्क करें 2640452। मनामा मोटर्स लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटोकॉर्प का सबसे अत्याधुनिक शोरूम व वर्कशॉप हुसैन मुस्तफा की देखरेख में, जहां आपको मिलेगी अपने टू व्हीलर्स वाहन पर एक्सचेंज की सुविधा व फाइनेंस की सुविधा भी। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स अपोजिट BN कॉलेज उदयपुर। कॉल एट 9829244738।
कपड़ों की सेल, सेल सेल सेल। स्मार्ट सिटी उदयपुर में न्यू इंडिया इंटरनेशनल लेकर आया है कपड़ों की विशाल रेंज, जिसमें आपके बच्चों के लिए किड्स वियर, फैंसी टी शर्ट, फैंसी टॉप, जीन्स, जैगिंग्स, फैंसी शर्ट, लोअर, हेरम, गर्ल्स वियर में वेस्टर्न एंड बेसिक टॉप, लेगिंग्स, शॉर्ट्स, कुर्ती, हेरम, प्लाजो, जीन्स, स्कर्ट। मेंस वियर में उपलब्ध है जीन्स, शर्ट व टी शर्ट। लोअर पता न्यू इंडिया इंटरनेशनल नियर अशोका टॉकिन, सूरजपुर, उदयपुर। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठीबाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। धमाका धमाका धमाका, संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हाँ, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प, संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स के संग। कन्वर्टेड आवासीय भूखंड आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 500 वर्ग फुट पर ₹11,000 डाउन पेमेंट और ₹1,410 की 60 आसान मासिक किश्तें। 1,000 वर्ग फुट पर ₹21,000 डाउन पेमेंट और ₹2,830 की 60 आसान मासिक किश्तें। 1,500 वर्ग फुट पर ₹31,500 डाउन पेमेंट और ₹4,250 की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना। 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं, पट्टेशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रतापनगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास, आसोलिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, रूपशी प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास मेन रोड, उदयपुर। कॉल 7340034134, 8890669683। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, कालापानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिंग, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल 2561600, मोबाइल नंबर 9829041330। झीलों की नगरी स्मार्ट सिटी उदयपुर के सेक्टर 5 में आ गया है तुलसी लेक, जहां आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का लुत्फ। साथ ही आपको मिलेगा फैमिली वातावरण, डेडिकेटेड स्टाफ। इतना ही नहीं, फैमिली, फ्रेंड्स, गेट टुगेदर, किटी पार्टी, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन करने के लिए हॉल की विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। प्योर वेज इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट, जहां आप पाएंगे सूप्स, सैलेड, इंडियन स्टार्टर वेज,
चाइनीज स्टार्टर्स, चाइनीज मेन कोर्स, दाल, ब्रेड्स, पनीर स्पेशल, राइस, साउथ इंडियन डिशेस, सैंडविचेस, पास्तास, पिज्जा, शेफ्स स्पेशल एंड सिजलर्स। तुलसी लीफ इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट। एड्रेस हिरन नगरी मेन रोड सेक्टर 5 उदयपुर। ऑर्डर नाउ 0294-2460-709। पिछले 20 वर्षों से आपकी सेवा उदयपुर शहर में जाना पहचाना एवं विश्वसनीय एकमात्र आटा चक्की का शोरूम सिद्धार्थ सेल्स कॉर्पोरेशन। हमारे यहाँ पर सभी तरह की आटा चक्की रिटेल एवं होलसेल रेट पर उपलब्ध है। व्यापारिक पूछताछ आमंत्रित है। हमारे यहाँ पर नटराज, स्वास्तिक, सांवरिया, निराली, कृष्णा, महारानी, परनामी, मिल्टन और भी कई नामी कंपनियों की चक्कियाँ होलसेल एवं रिटेल पर उपलब्ध हैं। सभी चक्कियों पर 5 वर्षों की गारंटी। नकल से सावधान, उदयपुर में हमारी कोई और ब्रांच नहीं है। तो आज ही आएं सिद्धार्थ सेल्स कॉर्पोरेशन, चोखला बाजार, भड़बूजा घाटी, उदयपुर। कॉल एट 9828043161 9314186475। हर आदमी का सपना घर हो अपना, इसी उम्मीद के साथ राजस्थान के स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर मात्र 16,200 रुपए डाउन पेमेंट, 2,300 रुपए की 75 आसान मासिक किश्तें, 1,500 वर्ग फुट पर मात्र 24,300 रुपए डाउन पेमेंट, 3,450 रुपए की 75 आसान मासिक किश्तें, 2,000 वर्ग फुट पर मात्र 32,400 रुपए डाउन पेमेंट, 4,600 रुपए की 75 आसान मासिक किश्तें। विशेषताएं 30 फीट रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध, दुकानों के प्लॉट भी उपलब्ध हैं। प्रताप नगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहे से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 6 विनायक कुंज बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने उदयपुर। कॉल इट 0294-2470625 9460-68419 9460-68419 9829632125 8004-98443। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। गाय माता आवारा नहीं, आवारा तो हम लोग हैं जो गाय माता का दूध पीते हैं और जब वह बूढ़ी हो जाती है तो उसे दर दर भटकने के लिए छोड़ देते हैं। ये कहना है नगर निगम की काइन हाउस समिति के अध्यक्ष रमेश चंद्र चंदेल का। शनिवार को काइन हाउस में गोपाष्टमी के मौके पर गौ माता का पूजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ भाजपा नेता प्रेम सिंह शक्तावत थे और अध्यक्षता वार्ड 1 के पार्षद अतुल चंडालिया ने की। समिति अध्यक्ष ने काइन हाउस का नाम गौशाला करने की वकालत की है और कहा है कि वे इसका प्रयास भी कर रहे हैं। शहर के प्रतिष्ठित बड़ाला क्लासेस और सन कॉलेज की ओर से रविवार को कॉमर्स ओलंपियाड का भव्य आयोजन किया जा रहा है। शहर के सेंट्रल पब्लिक स्कूल से सुबह 8:15 बजे इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। संस्थान के निदेशक राहुल बड़ाला ने बताया कि कक्षा 11वीं के छात्र जूनियर वर्ग और कक्षा 12वीं के छात्र सीनियर वर्ग में परीक्षा देंगे। सीनियर और जूनियर वर्ग में प्रथम 5 स्थानों पर आने वाले प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार के साथ साथ स्कॉलरशिप में भी फायदा दिया जाएगा। सर, जो कॉमर्स ओलंपियाड 2017 का आयोजन आप बड़ाला क्लासेस और सन कॉलेज की ओर से करवा रहे हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे उदयपुर को? हाँ जी, ये जो 29 अक्टूबर 2017 रविवार को यह परीक्षा हम आयोजित करा रहे हैं कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। 11th और 12th क्लास स्टूडेंट्स जो भी प्रेजेंट में 11वीं कक्षा में और 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, दोनों CBSE व RBSE विद्यार्थियों के लिए यह कॉमर्स ओलंपियाड का आयोजन उन विद्यार्थियों के लिए कराया जा रहा है। अच्छा। यह परीक्षा हम 2 वर्गों में करा रहे हैं, एक जूनियर वर्ग तथा एक सीनियर वर्ग, है ना। जूनियर वर्ग में कक्षा 11वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और सीनियर वर्ग में कक्षा 12वीं में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना। अच्छा। इसमें विद्यार्थी बिल्कुल निःशुल्क पंजीयन करा सकते हैं, हम उनसे कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं, है ना। परीक्षा का समय सुबह 8:15 बजे रखा गया है सेंट्रल पब्लिक स्कूल गोपालपुरा। ठीक है सर, है ना। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया ना, उनके लिए हमने ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल करवाई है, तो वो सुबह 8 बजे के करीब आके अपना ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। मतलब हम ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी करेंगे, है ना।
ओके, प्राइजेस की अगर मैं बात करूं तो सीनियर वर्ग में जैसे हम प्रथम पुरस्कार 51,000 रुपए दे रहे हैं, 51,000 कैश और 100% स्कॉलरशिप देंगे जो भी वो कोर्स आगे परस्यू करेगा, सीएसीएस या कोई भी कोर्स परस्यू करेगा, है ना। अच्छा, इसी तरह से द्वितीय पुरस्कार 31,000 रुपए व 100% स्कॉलरशिप, तृतीय पुरस्कार 31,000, इस तरह से वेरियस हम अलग अलग प्राइजेस दे रहे हैं। साथ में हमने एक बहुत ही अच्छा जो स्टूडेंट्स के लिए रखा है कि हर पार्टिसिपेंट को 6,000 रुपए का स्कॉलरशिप वाउचर मिलेगा ही मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा ही मिलेगा, है ना। अच्छा, श्री जगत शिरोमणि मंदिर में चल रही भागवत कथा के अंतिम दिन पंडित स्कंद कुमार पंड्या ने कहा कि संसार व्यवहार से मनुष्य का दूर होना असंभव है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, जब तक जीवन है व्यवहार निभाना ही पड़ेगा, मनुष्य के अंतर्मन से कलयुग के दोषों को समय समय पर समाप्त कर पुनः पवित्र करने का कार्य सत्संग से ही संभव है, सत्संग ही वह निर्दोष उपाय है जिससे मनुष्य अपने जीवन में कर्तव्यों को करते हुए उत्साह, उमंग और आनंद को प्राप्त कर सकता है। प्रवक्ता अभिषेक जोशी ने बताया कि कथा के सातवें दिन व्यासपीठ से पंडित स्कंद कुमार पंड्या ने सुदामा चरित्र का मार्मिक चित्रण करते हुए भक्तों को सुदामा भक्ति से अवगत कराया, वहीं वृंदावन के कलाकारों ने श्री कृष्ण और सुदामा के दृष्टांत को अपनी कला के माध्यम से जीवंत कर दिया। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा मिलन के इस दृष्टांत को देखकर सभी भक्त भावुक उठे। कथा के अंतिम दिन पूर्णाहुति यज्ञ का आयोजन किया गया और महाप्रसादी के साथ साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का विधि विधान से समापन हुआ। विश्व लकवा दिवस के मौके पर उदयपुर में शनिवार को पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की ओर से रन फॉर लकवा दौड़ का आयोजन किया गया। शहर के फतह सागर झील के देवाली छोर से शुरू हुई यह दौड़ मोती मंगरी से होते हुए वापस इसी छोर पर खत्म हुई। 1500 से अधिक युवाओं के साथ ही बच्चों और सीनियर सिटीजन ने भी इस दौड़ में उत्साह के साथ भाग लिया। इस मौके पर पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के चेयरमैन राहुल अग्रवाल और उनकी पत्नी प्रीति अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। दौड़ के बाद पीएमसीएच के न्यूरो सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉक्टर अतुला वाजपेयी ने लोगों को लकवा के प्रारंभिक लक्षणों और लकवे के इलाज के बारे में विस्तृत जानकारी दी। डॉक्टर्स की टीम ने आम लोगों में ज्यादा से ज्यादा लकवे के प्रति जागरूकता लाने की अपील की। डॉक्टरों ने बताया कि लकवा होने के प्रारंभिक लक्षणों में कोई भी व्यक्ति 3 से 7 घंटों के बीच अस्पताल पहुंच जाए तो उसके ठीक होने और लकवे के फैलने की संभावना काफी हद तक कम हो जाती है। आपको बता दें कि भारतवर्ष में महामारी बनते जा रहे लकवा अटैक के मरीज को यदि 4.5 घंटे के अंदर समुचित इलाज मिल जाए तो विश्व में हर 40 सेकंड में इस रोग से ग्रस्त होने वालों की जान बचाकर मौतों की संख्या घटाई जा सकती है। हर 4 मिनट में एक व्यक्ति लकवा से मरता है और भारत में लकवा मृत्यु एक बड़ा कारण है। यदि समय रहते जीवन पद्धति में सुधार किया जाए तो लकवा अटैक से मरने वालों की संख्या में भारी कमी आ सकती है। उदयपुर जिले के भिंडर कस्बे में निकटवर्ती श्री नागेश्वर पार्श्वनाथ गौशाला बांसड़ा में दीपावली के बाद से नवरात्रि महापर्व का आयोजन शुक्रवार तक किया जा रहा था, जिसे महायज्ञ की पूर्णाहुति व गौ माता के पूजन के साथ संपन्न किया गया। गौशाला संस्थापक सचिव श्याम चौबीसा ने बताया कि गौशाला में 9 दिन तक नियमित रूप से गौ सुरभि स्त्रोत, गौ भक्त बाल गोपाल सहस्त्र नाम के साथ गौ पूजन अनवरत किया जाता रहा, जिसकी पूर्णाहुति शुक्रवार को संपन्न हुई। आपको बता दें कि यह मेवाड़ की यह प्रथम गौशाला है जिसमें नवरात्रि पर्व मनाया जाता है। परमात्मा से गौ संवर्धन एवं संरक्षण के कल्याण की कामना की जाती है। गौ माता की महत्ता यहाँ तक है कि ऋषिकेश गौ माता की सेवा से ही अपने आश्रम की समृद्धि को बनाए रखते थे। इस दरमियान गौ भक्त नियमित रूप से गौ सेवा करता है और ऐसा करने से उसे परम गति प्राप्त होती है। कभी कभी राजा महाराजाओं को भी जब ऋषियों के सामर्थ्यवान होने पर वह राजा आश्रम से गौ माता ले जाने की याचना करते थे और याचना करने के बाद भी गौ माता नहीं देने पर बल के द्वारा उसको ले जाते तब स्वयं गौ माता अपने सींघों से सशस्त्र सेना उत्पन्न करती व स्वयं सारी सेना को नष्ट कर अपनी रक्षा करती थी। गौ माता की सेवा करने से सब पापों से मुक्ति एवं मन की इच्छाओं की पूर्ति होती है, ऐसा वेद पुराणों में भी दर्शाया गया है। गौशाला में गौ माता का पूजन कर सभी ने माताओं का श्रृंगार किया, गायों को लपसी का भोग दिलाया। इस अवसर पर रामेश्वर झंडवा, सोहन लाल पाराशर खेरोदा, रामेश्वर व्यास, हरीश चौबीसा, डॉक्टर जय किशन नागपाल, पशु चिकित्सा अधिकारी भिंडर, धनंजय चौबीसा बांसड़ा, लोगर चंद मीना, अभय सिंह राठौर, भंवर लाल चौबीसा, हिता,
चौबीसा, राधे श्याम शर्मा केदारिया, खुमानी देवी शर्मा, उषा चौबीसा, प्रिंसिपल सरस्वती स्कूल आदि गौ भक्त उपस्थित रहे। गौशाला महामंत्री भरत जारोली व अध्यक्ष मानमल मेहता के अनुसार यहाँ पर 223 गौधन का पालन पोषण किया जा रहा है। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। आरटीडीसी ही कर रही है पर्यटकों की जान के साथ खिलवाड़। मासूम चहक की मौत के बाद भी नहीं सुधरा प्रशासन। डबल डेकर में बिना लाइफ जैकेट के घूमे कई पर्यटक, मासूम बच्चे भी शामिल। राज्य की भाजपा सरकार ने फिर की इतिहास के साथ छेड़छाड़। विश्व प्रसिद्ध हल्दीघाटी युद्ध की तारीख में हुआ फेरबदल। कुराबड़ में महिला की आत्महत्या के बाद ससुराल और पीहर पक्ष में हुआ बवाल। घंटों समझाइश के बाद माने परिजन। बिना चिकित्सक के पोस्टमार्टम के इंतजार में काफी देर होती रही शव की बेकदरी। और लकवे से लड़ाई के लिए फतहसागर पर दौड़ा शहर। पैसिफिक हॉस्पिटल के आयोजन में शामिल हुए कई नामचीन। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं यूट्यूब पर। इसके लिए आपको यूट्यूब पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज। उसमें अपनी लॉगिन आईडी लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर के तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत जय श्री नागदा को और खबरों के लिए देखते रहे उदयपुर न्यूज। नमस्कार।